नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज हम समन्स की बात करेंगे। आपने समन्स के बारे में अपने रिलेटिव्स या दोस्तों से भी सुना होगा कि उन्हें कोर्ट का समन आया है। ऐसे में आप सोचेंगे कि समन्स एक बड़ी चीज़ है, मगर ये कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ एक चिट्ठी है जो कोर्ट से आपको मिली है और इसके मुताबिक आपको बस कोर्ट में जाना है और आपसे पूछे गए सवालों का जवाब देना है। और समन्स कई तरह के होते हैं। मान लीजिए आपने एक एक्सीडेंट देखा और उसका केस चल रहा है, तो एक्सीडेंट के वक्त पुलिस आपका नाम नोट कर सकती है और आपको उसके लिए विटनेस समन भेज सकती है और आपको इस मामले में बस अदालत जाकर जानकारी देनी है। इसके लिए आपको वकील के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। समन्स जब आपको इशू हो तो आपको उन पर क्या लिखा है देखना होगा। उसमें बताया गया होगा कि अंडर विच प्रोविजन या किस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपको समन इशू हुए हैं। आप सिविल प्रोसीजर कोड में देख सकते हैं कि समन्स अलग अलग तरह के होते हैं और उनका एक निर्धारित फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आप फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 4 में देख सकते हैं। मगर समन्स इशू होने पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि किस धारा के अंतर्गत आपको ये समन भेजा गया है। आप गूगल पर जाके भी कौन सा सेक्शन समन में है देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको क्यों कोर्ट ने पेश होने के लिए बोला है। इसके लिए वकील के पास जाके पैसे खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति को जमानत मिल गई है तो भी उसको दोबारा कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजे जा सकते हैं। कुछ मामलों में पुलिस भी समन दे सकती है। तो आइए एक बार डिटेल में समन्स के बारे में जानते हैं। देखिए, समन्स के बारे में सीपीसी के सेक्शन 27 से 32 में बताया गया है और सीपीसी के ऑर्डर 5, 16 और 16A सर्विस ऑफ समन से डील करते हैं। इन प्रावधानों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले तो वो समन्स जो कि डिफेंडेंट को भेजे जाते हैं खुद को किसी भी केस या कार्यवाही में बचाने के लिए या अपनी बात आगे रखने के लिए, और इनसे सेक्शन 27 से 29 और ऑर्डर 5 में डील किया गया है। और दूसरी कैटेगरी है उन समन्स की जो गवाहों या विटनेसेस को भेजे जाते हैं और इनसे सीपीसी के सेक्शन 31 से 32 और ऑर्डर 16 एंड 16A में डील किया गया है। और क्रिमिनल कोड के तहत जो सर्विस ऑफ समन होती है वो सीआरपीसी की धारा 61 से 69 में डील करी जाती है। देखिए, समन्स और कुछ नहीं, बस कोर्ट की इशू करी गई एक लीगल प्रोसेस होते हैं जिसमें कोर्ट किसी व्यक्ति या किसी भी दस्तावेज की उपस्थिति कोर्ट में बाध्य करता है, वो भी एक स्पेसिफाइड टाइम पर। ये एक नोटिस की तरह भी है जिससे कि एक डिफेंडेंट को ये पता चल सके कि उसके खिलाफ एक कंप्लेन या केस फाइल किया गया है और उसका जवाब देने के लिए उन्हें कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही में प्लेंटिफ का कर्तव्य है कि वो डिफेंडेंट को ये बताए कि उसके खिलाफ एक केस फाइल किया गया है। हम सबका अधिकार है कि हमें हमारे खिलाफ फाइल करी गई किसी भी केस की जानकारी हो ताकि हम खुद को डिफेंड कर सकें, खुद को बचा सकें। ज़्यादातर समन्स कंप्लेन की कॉपी या कोर्ट में दी गई उस एप्लीकेशन के साथ सर्व होते जाते हैं जिसमें प्लेंटिफ ने केस के फैक्ट और अपनी शिकायत का आधार बताया हो। अब जानते हैं कि कितने तरह के समन होते हैं। तो समन्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है और इनका नाम है सिविल समन्स, क्रिमिनल समन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव समन्स। कई और नाम दिए जाते हैं अलग अलग तरह के समन्स को, लेकिन वो सब इन तीनों कैटेगरीज में ही गिने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल समन्स की। तो सिविल समन एक निजी व्यक्ति या संस्था, मतलब एंटिटी द्वारा किसी और निजी व्यक्ति या संस्था को अदालत में पेश होने के लिए और अदालत में दायर याचिका का जवाब देने के लिए दिया गया एक जुडिशियल समन है। इस तरह का समन डिफेंडेंट को सूचित करता है कि उनके खिलाफ एक सिविल कार्रवाई की गई है और उन्हें उन आरोपों का जवाब देने के लिए अदालत में पेश होना चाहिए। आमतौर पर एक सिविल एक्शन में डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं या किसी लॉस या इंजरी की कंपनसेशन मांगी जाती है या फिर इंजंक्शन की मांग करी जाती है किसी को कुछ करने से रोकने के लिए या किसी को कुछ करने के लिए बाध्य करने के लिए। कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल देखते हैं। एक सिविल लॉसूट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंजंक्शन, क्लेम फॉर मनी ओड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट जैसे केस होते हैं। दूसरी कैटेगरी है क्रिमिनल समन्स की। क्रिमिनल समन एक तरह की जुडिशियल समन है जो किसी को आपराधिक अदालत में पेश होने के लिए सूचित करता है। आपराधिक कार्यवाही से संदर्भ में कई तरह के समन जारी किए जाते हैं। इनमें से कुछ किसी पीस ऑफिसर यानी शांति अधिकारी या पुलिस द्वारा जारी किए जाते हैं और कुछ प्रोसिक्यूटर के द्वारा भी जारी किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो ट्रैफिक समन होते हैं वो क्रिमिनल कार्यवाही से जुड़े कई तरह के समन्स में से एक हैं। साइटेशन समन भी एक तरह के क्रिमिनल समन है। ये एक तरह का नोटिस है जिसमें एक व्यक्ति को क्रिमिनल कोर्ट के आगे एक माइनर चार्ज से संबंधित मामले में अपीयर होना पड़ता है। इस तरह के समन ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर के द्वारा डायरेक्टली ही ऑन स्पॉट दिए जाते हैं।
जैसे कि अगर कोई किसी पार्क में दारू पीते हुए पकड़ा जाए तो उसका साइटेशन समन इशू किया जाता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली ही पार्क में मिले व्यक्ति को समन इशू कर सकता है। ये आम रॉबरी जैसे संगीन अपराधों के लिए इशू नहीं किया जाता। अब एक बार ट्रैफिक समन्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये समन पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर इशू किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेकलेस ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाए या अल्कोहल या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ड्राइव करते हुए पकड़ा जाए तो उसे ट्रैफिक समन इशू किया जाता है। एक ट्रैफिक समन हो सकता है कि एक संगीन अपराध के लिए ना हो या एक सीरियस वायलेशन की वजह से ना हो, मगर इशू होने पर एक व्यक्ति को कोर्ट में अपीयर होना ही होगा और अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब भी देना होगा। पार्किंग टिकट मिलने जैसे मामलों में ट्रैफिक समन इशू नहीं किया जाता। तीसरी कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेटिव समन्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव समन प्रशासनिक समन होते हैं और ये ऐसे जुडिशियल समन्स हैं जो एक ऑथराइज करी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी द्वारा इशू किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक तरह की यानी विशिष्ट तरह की जांच पड़ताल या कानूनी मैटर को संभालने के लिए इशू किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हर क्षेत्र या ज्यूरिसडिक्शन में एक टैक्स अथॉरिटी होती है और उस एरिया की टैक्स रिलेटेड मैटर्स को संभालती है। उस टैक्स अथॉरिटी के पास ये ताकत होती है कि वो आपको समन करे और बुला के टैक्स से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए कहे। ऐसे समन्स कई तरह के कोर्ट इशू कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स कोर्ट, इमिग्रेशन कोर्ट, लेबर कोर्ट और प्रोफेशनल कोर्ट। हर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अपनी ही एक्सपर्टाइज के मामले में समन इशू कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव लॉ, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब लाइव लॉ का खुद का एक हिंदी चैनल भी है, तो स्क्रीन पे दिए गए आइकन को क्लिक करें और उसे चेक करें। धन्यवाद।